हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ अपूर्वा. एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल. मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में. अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में. मैं ऐसे स्टोरीज को लेकर आती रहती हूँ एंड कई बार काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं, हमारी सिचुएशन ये है, हम किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक अप्लाई करें. तो आप जब दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं, दूसरों के मैनिफेस्टेशंस को सुनते हैं, आपको एक आइडिया लगता है कि आप भी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, आपको भी इस टेक्निक या इस चीज़ से, स्पेसिफिक चीज़ से हेल्प मिल सकती है. मैनिफेस्टेशन स्टोरीज जो होती हैं हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन जर्नी में हेल्प करती हैं. कई बार हम बहुत लॉस्ट फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो उस केस में भी हमें एक लाइट देती हैं, गाइडेंस का काम करती हैं. तो चलिए बात कर लेते हैं आज की स्टोरी के बारे में. आज की जो स्टोरी है ये रिलेटेड है एक गॉडेस से. शी इज़ वेरी पावरफुल एंड काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं, बट काफ़ी ऐसे लोग हैं, हो सकता है जो वीडियो है या फिर जो मैनिफेस्टेशन स्टोरी है किसी के लिए गाइडेंस बन जाए, किसी को हेल्प मिल जाए इस टेक्निक से या फिर इन गॉडेस से. ठीक है, एनीवेज पहले मैं इस स्टोरी को रीड कर लेती हूँ. एंड जो स्टोरी है ये मुझे भेजी गई है वाया व्हाट्सएप. अगर आपकी भी स्टोरी है तो आप भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच बाय द वे जिन लोगों ने इतनी सारी स्टोरीज को शेयर किया है. जब मैं आपकी स्टोरीज को रीड करती हूँ, बिलीव मी, मैं खुद बहुत मोटिवेट होती हूँ. एंड दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी कि आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के ये स्टोरीज लिखते हैं एंड इन्हें शेयर करते हैं. थैंक यू सो मच. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं स्टोरी को रीड करने वाली हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ कीप माई नेम अनोनिमस. इट्स अ सक्सेस स्टोरी रिलेटेड टू गॉडेस हेकाटे. It's about toxic relationship. It's have been around 1 month that guy was not giving attention to me. So I decided to move on. But when I tried to move on, he started emotionally blackmailing me. And even many times he tried to told me if I will move on, he will kill me. And started showing me the power of his dad and his brother. As both are in higher position and they can do anything. Basically, he was threatening her. Actually, for me, the main root cause of moving on was I got to know all his other girlfriends and some more that I can't even say. In short, he was cheating on her. So I don't know how it happened. On 23rd May, around 4 p.m., in a sleepy state, I visualized that I am praying to Goddess Hecate in front of her and telling about that guy who has been torturing me mentally from last 1 month. And said to Goddess Hecate, when he will stop torturing me, then I will share my story to Purvadi. Thank you so much, mujhe iska part banane ke liye. And the you won't believe, today is 25th May. It's been only 1.5 days that guy have not called me or contacted her. As he always used to call me on daily basis, day and night. Finally, Goddess Hecate listened my prayer. Literally, I can't even express how much I'm feeling grateful to her. Finally, I got my life and my freedom. Freedom of fear. Freedom from that devil guy who was cheating me. Thank you so much, Apurvati, introducing to Goddess Hecate to us. Thank you so much. Please share this and keep my name anonymous. First of all, congratulations and thank you so much इसे share करने के लिए. अभी कुछ चीज़ें मेरे माइंड में और भी आ रही हैं दैट आई वांट टू डिस्कस हियर. पहली चीज़ तो टॉक्सिक चीज़ें जो होती हैं, अगर आप इस टाइप के फेस से निकल रहे हैं, एनीवेज इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो कि आप अगर लड़की हैं तभी से यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई आपको हरास कर रहा है, इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रहा है, मेरे माइंड में 3 गॉडेस आती हैं जो आपकी अच्छे से हेल्प कर सकती हैं. ऑब्वियसली गॉडेस हेकाटे, नो डाउट. सेकेंड माँ काली, She is amazing, ठीक है. Third is Lilith. ये 3 goddess अभी currently मेरे mind में अभी भी ऐसे घूम रहे हैं. And मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप कोई भी ऐसी situation face कर रहे हैं अपनी life में, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको solution नहीं दिख रहा है, ये जो उन्होंने किया है, see बहुत simple है, it's all mind magic, ठीक है. इसमें कोई टेक्निक इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल ये काम करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी डीटी को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. गॉडेस हेकाटे जो है वो बहुत अच्छी है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है. एंड ये प्रोटेक्शन किसी भी वे में हो सकती है. अगर आप मैजिक क्राफ्ट में, ऑकल्टिज्म में हैं, उनको विचेस का प्रोटेक्टर भी कहा गया है, राइट. अगर आपको कोई भी विश उनसे मांगनी है, आप इनका ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं. मेडिटेटिव स्टेट में जाएं,
डीप थीटा स्टेट में जाएं, जहां आप पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, कोई थॉट्स ना हो, आप सिंपली अपनी ब्रेथ पे फोकस करें। उसके बाद जब आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, विजुलाइज करें गॉडेस हेकाटे को अपने सामने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपके जो भी अंदर चीज़ें हैं, जस्ट शेयर इट। जब आप उस डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाके कोई भी चीज़ को बताते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, वो काम बहुत जल्दी होते हैं, जैसे इनका हुआ है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ को जाके उनको बता सकते हैं, ये सिचुएशन मेरी है, मुझे इसमें हेल्प चाहिए। एंड उसके बाद जो आप आउटकम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप जिस सिचुएशन में उनकी हेल्प लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये जो सिचुएशन है ये ऐसे हो, ये जो फेज़ है ये ऐसे घटित हो, उसको माइंड में विजुलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि आप माइंड के थ्रू गॉडेस हेकाटे को दिखा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं उनसे। आप सिंपली उसके बाद एक ऑफरिंग बोल सकते हैं, ऑफरिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनके लिए कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा वैसे स्पेसिफिकली कुछ नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली एक या दो चीज़ें ही ऑफर करनी है। आपको इंट्यूटिवली जो आता है आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है। ऑफरिंग की या डिटेलिंग की, गॉडेस हेकाटे की हम लोग और वीडियो में बात करेंगे फॉर श्योर, बट अगर इस बार की बात करें, यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि ये स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगी। एंड जैसे कि अब मैं आपके साथ इस स्टोरी को शेयर कर रही हूँ, गॉडेस हेकाटे का नाम हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ से भी उनको एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो ये भी इनका एनर्जी एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ऑफरिंग बोल सकते हैं कि मैं आपका जो नाम है पब्लिकली यू नो फैलाऊंगा, एक ये भी हो सकता है, एक रेड रोज दूंगा, या फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, एक रेड रोज दूंगा, या फिर ऑफरिंग में एक की मैं दूंगा, बहुत सी चीज़ें हैं एनी वेज उनके ऑफरिंग की। तो आप इस तरीके से ना बदले में आप ऑफरिंग का प्रॉमिस कर सकते हैं, एंड मेक श्योर जब आपका काम होता है आप ऑफरिंग उनको दें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से किया है, ठीक है। इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज, बैलेंस होना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जो डीटी है, एनर्जी है, वो आपकी और जल्दी सुनती है, आपकी जो विशेष है उनको और जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। तो अगर आप भी कोई सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, एंड आप एकदम से कनेक्ट फील कर रहे हैं गॉडेस हेकाटे से, तो आप ये आज रात भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसे कर सकते हैं। ऐसे रूल्स नहीं है कि आपने सिर्फ रात को ही करना है, रात के टाइम पे ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे गॉडेस हेकाटे का टाइम होता है। आप सिंपली अपना जो मेडिटेशन है वो 11:11 पे कर सकते हैं, रात के टाइम पे, पीएम पे 11:11 पे आप सिंपली अलार्म लगा के रख सकते हैं, प्रिपेयर रखेंगे खुद को, जैसे ही 11:11 बजते हैं अपना ये मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप इस तरीके से भी इस पे काम कर सकते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं गॉडेस हेकाटे के लिए, अगर आपकी कोई विश है, बेसिकली ये जो टेक्निक मैं सेकंड आपको बता रही हूँ ये एक की टेक्निक है। मैंने काफी दिन पहले गॉडेस हेकाटे की इस पे बात की थी कि आप सिंपली एक यू नो चौराहे पे जाएं, उनकी की को रख के आ जाएं एंड वापस आ जाएं अपनी विश बोल के, ठीक है। ये भी मैंने एक टेक्निक बताई हुई है, काफ़ी लोगों को उससे रिजल्ट भी मिल चुके हैं। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। बेसिकली ये है एडवांस ऑफरिंग वाला। एक होता है कि जब मेरा काम हो जाएगा तब ऑफरिंग करूंगा, एक होता है एडवांस ऑफरिंग वाला, पहले ऑफरिंग कर रही हूँ काम बाद में होगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एनर्जाइज की हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी कीज हैं आप एक काम कर सकते हैं, हेकाटे ऑयल आता है, आप उस ऑयल को उन कीज पे अनॉइंट कर दीजिए, एंड आप इन कीज को फुल मून के अंडर चार्ज कर लीजिए, आप इन्हें तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपके एनर्जाइज हो जाएंगे। एनीवेज आपने एक की लेनी है, उसको होल्ड करना है, अपनी विश बोलनी है, होल्ड करके विजुलाइज करना है जैसे कि वो जो चीज़ है आपकी विश है वो पूरी हो चुकी है। हाउ विल यू फील, एड द इमोशंस, हर एक चीज़ जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं, की को होल्ड करना है, अपनी विश को बोलना है थैंक यू गॉडेस हेकाटे मेरा काम हो चुका है, एंड उसको अपने माइंड में विजुलाइज करें, क्रिएट करें जैसे कि वो काम आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपके घर के पास वाला जो सबसे क्लोज चौराया है, ज्यादा दूर नहीं देखना है, आपने मोस्टली काम इवनिंग के टाइम पे करना है, टेक द की, माइंड में गॉडेस हेकाटे का नाम चैंट करते रहिए, क्रॉस रोड पे जाना है, थैंक यू गॉडेस हेकाटे मेरी विश पूरी करने के लिए, इसको चौराहे पे रख देना है, ठीक है, क्रॉस रोड पे रख देना है, एंड वापस आ जाना है, आते हुए किसी से बात नहीं करनी है, एंड पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चुपचाप सामने सीधा देख के अपना घर आ जाना है, घर आके फेस वॉश करना है, हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एंड इस रिचुअल को करने के बाद आप भूल जाएं, डोंट काउंट द डेज कि अभी नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, आप बस चुपचाप से इस रिचुअल कर दीजिए, ये बहुत जल्दी काम करता है एंड बहुत मैजिकली काम करता है। अगर आप यू नो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं गॉडेस हेकाटे से, ठीक है, एंड आपको लगता है कि ये रिचुअल आपके लिए है, एंड आपकी कोई विश है जो बहुत आपको लगता है इम्पॉसिबल है,
या फिर मुश्किल है, आपको ऐसा लगता है, आप चाहे तो ये रिचुअल करके देख सकते हैं, क्रॉस रोड वाला या फिर जो इन्होंने बताया है नॉर्मल मेडिटेशन है गॉडेस एकाटे के साथ में। एंड इन केस ऑफ मेडिटेशन, जब अपनी सारी बातें गॉडेस एकाटे को बता देंगे, सिचुएशन एक्सप्लेन कर देंगे एंड विजुलाइज करेंगे जो आप यू नो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद गॉडेस एकाटे को थैंक यू बोले, उन्हें ये बोले थैंक यू गॉडेस एकाटे आपके प्रीशियस टाइम के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरे पास आने के लिए, अब आप अपनी जगह पे जा सकती हैं, ठीक है, जब मैं आपको नेक्स्ट टाइम कॉल करूँ प्लीज़ डू कम फॉर माई हेल्प। आप इस तरीके से ग्रैटिट्यूड के साथ उनको थैंक यू बोल के भेज सकते हैं एंड वापस मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, आप भी चाहें आप भी गॉडेस एकाटे के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो कुछ गॉडेसेस हैं जैसे माँ काली हो गई, लिलित हो गई, गॉडेस एकाटे हो गई, आप इनके रिचुअल स्पेल्स यू नो मून की एनर्जी में करते हैं या फिर रात के टाइम पे करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिलीव मी, ठीक है। दिन में आप कर सकते हैं, ऐसा कोई खैर रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट अगर आप रात के टाइम में इन्हें करते हैं आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। एंड बेस्ट टाइमिंग सिंपल सा है 11:11, ठीक है, आप इस टाइम पे अपने मेडिटेशन रिचुअल करने स्टार्ट कर सकते हैं, आप ट्राई करें, आपको बहुत हेल्प होगी। एंड अगर आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट विश है, रिजिड सिचुएशन है, आप ये क्रॉस रोड वाला भी कर सकते हैं, चुपचाप की को वहाँ पे रखाएं एंड वापस आ जाएं, चुपचाप से, किसी से शेयर नहीं करना है, किसी से डिस्कस नहीं करना है, बस चुपचाप ही रख के आ जाना है, ठीक है। आप एडिशनली एक और चीज़ कर सकते हैं इस क्रॉस रोड वाले रिचुअल पे, की के साथ आप 11 rupees भी लेके जाएं एंड वहाँ पे रख दीजिए, आप साथ में मनी की भी ऑफरिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप ये ट्राई करें, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी, ठीक है। एंड अभी फुल मून आ रहा है, अगर आप फुल मून के अंडर बैठ के गॉडेस एकाटे का ये मेडिटेशन करते हैं या फिर ये कीज़ को एनर्जाइज करके इनका रिचुअल करते हैं, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो यह आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय, थैंक यू सो मच।